आपको पता है कार में क्या इश्यू हुआ है? सीधी तुम्हारी पास आई ना? आना पर हजू महिंद्रा में चालू छे कम्युनिकेशन અને હજુ રિફંડ પ્રોસેસ નથી થયું, ગાડી કઈ રીતે લાવ્યા? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का रीसेंट एक्सीडेंट तो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से याद ही होगा। एक्सप्रेसवे पर चलते समय गाड़ी खुद से अनकंट्रोल हो गई थी और राइट साइड में लगे इन बैरियर्स में जाकर घुस गई थी, जिसके बाद इसे चला रहे ड्राइवर का राइट वाला पैर कट कर अलग हो गया था। दो वीडियोज के जरिए बहुत सारी चीजें आपको उस एक्सीडेंट की दिखाई गई, जो सीधा सीधा ये इशारा कर रहे थे कि गाड़ी में कोई डिफेक्ट था, जिस वजह से ये अचानक से राइट मुड़ गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारी चीजें सामने होने के बाद भी महिंद्रा ने पूरी तरह से सब कुछ डिनाई कर दिया और वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि इसमें हमारी गलती है और ड्राइवर जिन्होंने अपना पैर खोया इसमें उनके लिए भी कोई सिंपथी नहीं थी कंपनी को। खैर, उस पर मैं आपको जल्द ही अपडेट दूंगा कि चीजें क्या चल रही हैं जहां तक है इसी महीने के लास्ट तक। हालांकि बिल्कुल उसी से रिलेटेड मेरे पास एक और इंसिडेंट आया है, जिसे गुजरात से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ओनर मिस्टर पारस ने शेयर किया है। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं उसे जनवरी लास्ट में गुजरात के ही एक डीलरशिप से खरीदा गया था और डिलीवरी के करीब 10 दिन बाद जब पारस अपने पूरे फैमिली के साथ किसी हाईवे से होते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तब एक ओवर ब्रिज पर अचानक से एसयूवी का स्टीयरिंग फेल हो गया और ये अनकंट्रोल होकर मीडियन पर चढ़ गई और वहीं पर जाकर रुक गई। बाद में इसे रिवर्स करके नीचे उतारा गया है। अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इसने डिवाइडर को क्रॉस नहीं किया, वरना बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। जैसा कि ये हाईवे है और इसकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आर के अराउंड होगी, अब आप सोचिए ऑपोजिट साइड में कोई व्हीकल आ रही होती तो कितना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। इसी के साथ जैसा कि मैंने बताया कि गाड़ी में पूरी फैमिली मौजूद थी, इनके मम्मी पापा जिनकी एज 70 के अराउंड होगी, पारस, उनकी वाइफ और एक छोटी बेटी भी गाड़ी में बैठी हुई थी। अब ऐसे सिचुएशन में अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होता आप वो भी अच्छे से समझ सकते हैं। पारस यानी स्कॉर्पियो एन के ओनर जिनकी एक्सीडेंट के बाद मुझसे बात हुई, वो बहुत ही ज्यादा परेशान थे और उन्होंने बताया कि महिंद्रा के लापरवाही से आज हमारी पूरी फैमिली खत्म हो जाती। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग घूम रहा है पर व्हील के साथ कनेक्शन ही नहीं है गाड़ी का, इट्स अ फ्री, और इसकी वजह से पूरा एक्सीडेंट होते होते बचा है। डिवाइडर पे गाड़ी पूरा चढ़ गया था। दिस इज महिंद्रा एन स्कॉर्पियो एन नई गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और डीजल वेरिएंट है इसका, Z6, और ये 200 किलोमीटर भी नहीं घूमी है गाड़ी और सडनली इसने स्टीयरिंग छोड़ दिया। आप देख सकते हैं इसका टायर का मूवमेंट इसमें आपको दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा, बट आगे टायर नहीं घूम रहा है ज़रा भी। और ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई थी गाड़ी, जस्ट मैंने रिवर्स करके थोड़ा सा नीचे लिया है और ये हाईवे के बीच में खड़ा है। पूरा गाड़ी हाईवे के बीच में है और हम लोग टोटल 5 लोग थे, माई पेरेंट्स, माई डॉटर, वाइफ एंड myself। अब इसमें महिंद्रा की लापरवाही क्या है या कहिए गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं SUV मात्र 271 किलोमीटर चली है, जो एक तरह से कुछ भी नहीं है, और जब इसके स्टीयरिंग को घुमाया जा रहा है तब ये व्हील नहीं घूम रहा है, मतलब जो कनेक्शन स्टीयरिंग और व्हील के बीच होता है वो लूज हो चुका है और यही वजह थी कि गाड़ी अचानक से राइट खींची और पारस इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। अब ये सब होने के बाद महिंद्रा के नियरेस्ट डीलरशिप से RSA आया और किसी तरह गाड़ी को टो करने की कोशिश हुई और बड़े मुश्किल से काफी देर बाद गाड़ी ट्रक के ऊपर चढ़ पाई। इसके पहियों को बार बार रॉड से सीधा करना पड़ रहा था और महिंद्रा ने सिर्फ एक आदमी भेजा था बीच हाईवे से गाड़ी उठाने के लिए। खैर, ये सब होने के बाद गाड़ी डीलरशिप पहुंची और वहां पर जब इसे चेक किया गया तब पता चला कि स्टीयरिंग जॉइंट्स को जो फास्टनर्स होल्ड किए होते हैं उनमें से एक मिसिंग था और इसी वजह से स्टीयरिंग और व्हील का कनेक्शन छूट गया था। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जो डीलरशिप के बाहर का है। बड़े मुश्किल से लोग पहिया एडजस्ट करके गाड़ी को पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज आप भी समझ, मैं आपका पेन समझ रहा हूं सर, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करूंगा। मैं आपको कुछ नहीं बोलना, आपके बंदों को कुछ नहीं बोलना, जो हो रहा है मैं तो वो ले रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है? गाड़ी कैसे अंदर आ रही है वो मैं तो सिर्फ ले रहा हूं। आप अगर होल्ड करें तो मैं जाऊं उनको असिस्ट करने के लिए। नहीं तो बता थक ही जाए, जो जो भाई पहला भाई बैठा है। तो
अब यहाँ तक चीजें आपको क्लियरली पता चल गई कि कैसे क्या क्या हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है यानी चलते गाड़ी से फास्टनर का मिस हो जाना, वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। ये एक्सीडेंट हुआ फरवरी में और उसी समय मुझे सारी डिटेल्स शेयर कर दी गई थी, लेकिन तुरंत इस पर वीडियो नहीं बनाया गया क्योंकि काफी चीजें फंसी हुई थी जिनमें सबसे मेन कस्टमर का पैसा भी था। आपको विश्वास नहीं होगा कि महिंद्रा वाले तुरंत तैयार हो गए पूरा अमाउंट रिफंड करने के लिए। मतलब अभी तक शायद आपने ऐसा कुछ सुना ही नहीं होगा। पैसा रिफंड तभी हुआ है जब चीजें बाहर आ गई हैं, पूरे सोशल मीडिया पर फैल गई हैं और कंपनी ने अपनी गलती मान ली है। लेकिन ओनर ने बताया कि यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए महिंद्रा डीलरशिप वाले उनका पूरा पैसा वापस कर रहे थे, जितना भी इस पर लोन था विद इंटरेस्ट वो देने को तैयार थे, और साथ ही में सीट कवर और मैटिंग वगैरह के जो ऑर्डर्स ओनर ने बाहर दिए हुए थे उसके भी पैसे वो भरने को तैयार थे। इनफैक्ट ओनर को इस Z6 ऑटोमेटिक के बदले Z8 लग्जरी यानी टॉप मॉडल का भी ऑफर दिया गया था। खैर ये चीजें तेजी से आगे बढ़ रही थी और लोन भी महिंद्रा की तरफ से क्लोज कर दिया गया। अब कुछ पैसे बचे थे वही 7 लाख के अराउंड जो महिंद्रा की तरफ से कस्टमर को मिलने थे और वो भी अमाउंट बस आने ही वाला था। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हुआ जिस पर ओनर काफी नाराज हो गए महिंद्रा से। हुआ क्या कि इन लोगों ने गाड़ी को एक अलग डीलरशिप पर ले जाकर पूरी तरह से सही करके खड़ा कर दिया, यानी कि जो फास्टनर इसमें से निकला था उसे वापस लगा दिया गया, और ये सब बिना ओनर के परमिशन के हुआ। इनफैक्ट ओनर ने पहले से ही मेंशन कर रखा था कि मेरे परमिशन के बिना गाड़ी में कोई काम नहीं होना चाहिए, और इस पर महिंद्रा वाले एग्री भी किए थे, लेकिन उन्होंने मौका देखकर चुपके से गाड़ी को अलग शिफ्ट करवाया और इसे सही कर दिया। इसका पूरा वीडियो भी है जिनमें से कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं ब्लर करके। अंदर ले। आपको पता है कार में क्या इश्यू हुआ है? सीधी तुम्हारी पास आई है ना? आना पर जो महिंद्रा में चालू है उसका कम्युनिकेशन और जो रिफंड प्रोसेस में थी तो गाड़ी के लिए लाया, इसका स्टीयरिंग का जॉइंट निकल गया था 10 फरवरी को, और स्टिल कम्युनिकेशन इज ऑन विथ महिंद्रा, पर अभी तक उन्होंने पूरा रिवर्ट नहीं दिया और इसको यहाँ पे लेके आ गए हैं एंड दे मेक चेंजेस इन दैट। और फास्टनर लगा के लेके आए ना, चला के फास्टनर इन्होंने लगा दिया इसमें पूरा, इसका RC अभी तक नहीं किया है। अभी आप देखेंगे ये वाला कनेक्टिंग रॉड जो जॉइंट है वो छूट गया था जो इन्होंने फास्टनर लगा दिया है और वहां से ड्राइव करके यहां तक लाया है विदाउट एनी RCA। इसका कोई भी RCA महिंद्रा ने नहीं किया। आप इन चीजों को देखकर कायदे से समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा शर्मनाक है ये सब। इतनी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी होने के बाद भी महिंद्रा की तरफ से ऐसी चीजें की जा रही हैं और ये लोग अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। एक्सीडेंट के बाद टेक्निकल टीम ने जब गाड़ी को चेक किया तब उनको पता ही नहीं लग पाया कि ये सब कैसे हुआ। और तो और महिंद्रा ने साफ शब्दों में ये बोल दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमने प्लांट से गाड़ी को कायदे से चेक करके भेजा था, वहां इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाद में क्या हुआ वो हमें नहीं पता। भाई वो तो कहिए कि गाड़ी कहीं लड़ी नहीं, अगर ये हल्का सा भी कहीं टच हो जाती तो कंपनी वाले पूरी गलती ओनर के सर पर डाल देते, जैसा आपने विभाकर जी के केस में देखा होगा। वहां पर ऐसा ही तो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, SUV अचानक से राइट खींची और एक्सीडेंट हो गया। अब उस जगह गाड़ी सही सलामत होती तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन कुछ घंटों बाद वो बुरी तरह से जलकर राख हो गई थी, तो जो एविडेंस मिलने थे वो भी गायब हो गए। और कंपनी ने आसान शब्दों में ये बोलते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि गाड़ी हाई स्पीड में अनकंट्रोल होकर लड़ गई है, और ऐसे बहुत से केसेस सामने आ चुके हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ही जिसमें कंपनी ने ओनर पर ब्लेम डाला है। यहाँ पर भी गाड़ी किसी चीज से लड़ जाती तो कंपनी फिर से उसी चीज को दोहरा देती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसीलिए इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ब्लेम कहाँ डाला जाए, और जल्दी जल्दी ये चीजों को दबाने में लग गए। लेकिन भाई ये बहुत शर्मनाक है, हम लोग अपने देश के ब्रांड को इतना ज्यादा प्रमोट और सपोर्ट करते हैं और वो सिर्फ अपनी गाड़ियां बेचने पर ध्यान दे रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है कि इनमें किसी का हाथ पैर कट रहा है या फिर पूरी फैमिली खत्म हो जा रही है। इनको बस जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करके अपनी गाड़ियां निकालनी होती हैं, और इसी चक्कर में इन गाड़ियों का कायदे से क्वालिटी चेक भी नहीं हो पाता है। मैंने आपको काफी पहले ही एक पोस्ट दिखाया था जो Team BHP पर शेयर किया गया था, वहां पर ऑफिशियल रिव्यू के दौरान मेंबर ने साफ साफ मेंशन किया था कि स्कॉर्पियो एन के अपर जॉइंट का नकल और फास्टनर ये दोनों ही चीज़ें बहुत सीरियस क्वालिटी चेक इशू है, लेकिन कंपनी को कहां इन सब पर ध्यान देना है। ये हैं तो वैसी छोटी छोटी चीजें, लेकिन जब ये फेल होते हैं तो बहुत बड़ा कांड करवाते हैं, जिसके दो बड़े एग्जांपल्स आपके सामने हैं। उम्मीद करते हैं महिंद्रा अपने क्वालिटी चेक पर ध्यान देगी और ऐसे किसी फैमिली को खतरे में नहीं डालेगी। बाकी ओनर ने इस पर लीगल एक्शन लिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं इस वीडियो को ट्विटर पर भी शेयर करूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंचे। आप वहां जाकर इसे रीट्वीट करिए और इस YouTube वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए ताकि ये स्प्रेड हो सके। इसी के साथ आपको क्या लगता है इस इंसिडेंट पर वो भी कमेंट में जरूर बताएं।